श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 94 लव कुश द्वारा रामायण काव्य का गान तथा श्रीराम का उसे भरी सभा में सुनना। रात बीतने पर जब सबेरा हुआ तब स्नान संध्या के पश्चात समिधा होम का कार्य पूरा करके वे दोनों भाई ऋषि के बताए अनुसार वहां संपूर्ण रामायण का गान करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने भी वह गान सुना जो पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए नियमों के अनुकूल था। संगीत की विशेषताओं से युक्त स्वरों के अलापने की अपूर्व शैली थी। बहुसंख्यक प्रमाणों ध्वनिप्रच्छेद के साधनभूत द्रुत मध्य और विलंबित इन तीनों की आवृत्तियों अथवा सप्तविध स्वरों के भेद की सिद्धि के लिए बने हुए स्थानों से बंधा और वीणा की लय से मिलता हुआ उन दोनों बालकों का वह मधुर गान सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। तदनंतर पुरुष सिंह राजा श्रीराम ने कर्मानुष्ठान से अवकाश मिलने पर बड़े बड़े मुनियों राजाओं वेदव्यता पंडितों पौराणिकों व्याकरणों बड़े बूढ़े ब्राह्मणों स्वरों और लक्षणों के ज्ञाताओं गीत सुनने के लिए उत्सुक द्विजों सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीत विद्या के जानकारों विशेषत निगमागम के विद्वानों अथवा पूर्वासियों भिन्न भिन्न छंदों के चरणों उनके गुरु लघु अक्षरों तथा उनके संबंधों का ज्ञान रखने वाले पंडितों वैदिक छंदों के परिनिष्ठित विद्वानों स्वरों की ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं के विशेषज्ञों ज्योतिष विद्या के पारंगत पंडितों कर्मकांडियों कार्यकुशल पुरुषों विभिन्न भाषाओं और चेष्टा तथा संकेतों को समझने वाले पुरुषों एवं सारे महाजनों को बुलवाया। 4-7 इतना ही नहीं तर्क के प्रयोग में निपुण न्यायिकों युक्तिवादी एवं बहुज्ञ विद्वानों छंदों पुराणों और वेदों के ज्ञाता द्विजवरों चित्रकला के जानकारों धर्मशास्त्र के अनुकूल सदाचार के ज्ञाताओं दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वानों नृत्य और गीत में प्रवीण पुरुषों विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं नीति निपुण पुरुषों तथा वेदांत के अर्थ को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं को भी वहां बुलवाया। इन सबको एकत्र करके भगवान श्री राम ने रामायण गान करने वाले उन दोनों बालकों को सभा में बुलाकर बिठाया। 8-10 सभासदों में श्रोताओं का हर्ष बढ़ाने वाली बातें होने लगी। उसी समय दोनों मुनि कुमारों ने गाना आरंभ किया। फिर तो मधुर संगीत का तार बांध गया। बड़ा अलौकिक गान था। गे वस्तु की विशेषताओं के कारण सभी श्रोता मुग्ध होकर सुनने लगे। किसी को तृप्ति नहीं होती थी। मुनियों के समुदाय और महापराक्रमी भूपाल सभी आनंदमग्न होकर उन दोनों की ओर बारंबार इस तरह देख रहे थे मानो उनकी रूपमाधरी को नेत्रों से पी रहे हैं। वे सब एकाग्रचित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों कुमारों की आकृति श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये वलकल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी में तथा गान करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। नगर और जनपद में निवास करने वाले मनुष्य जब इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी समय नारद जी के द्वारा प्रदर्शित प्रथम सर्ग मूल रामायण का आरंभ से ही गान प्रारंभ हुआ। वहां से लेकर 20 सर्गों तक का उन्होंने गान किया। तत्पश्चात अपराहन का समय हो गया। उतनी देर में 20 सर्गों का गान सुनकर भ्रातृवत्सल श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत से कहा, काकुत्स्थ, तुम इन दोनों महात्मा बालकों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में शीघ्र प्रदान करो। इसके सिवा यदि और किसी वस्तु के लिए इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो। आज्ञा पाकर भरत शीघ्र ही उन दोनों बालकों को अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं देने लगे, किंतु उस दिए जाते हुए सुवर्ण को कुश और लव ने नहीं ग्रहण किया। वे दोनों महामनस्वी बंधु विस्मित होकर बोले, इस धन की क्या आवश्यकता है? हम वनवासी हैं, जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं, सोना चांदी वन में ले जाकर क्या करेंगे? उनके ऐसा कहने पर सब श्रोताओं के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। श्रोता और श्री राम सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब श्री रामचंद्र जी यह सुनने के लिए उत्सुक हुए कि इस काव्य की उपलब्धि कहाँ से हुई है। फिर उन महातेजस्वी रघुनाथ जी ने दोनों मुनि कुमारों से पूछा,
इस महाकाव्य की श्लोक संख्या कितनी है? इसके रचयिता महात्मा कवि का आवास स्थान कौन सा है? इस महान काव्य के कर्ता कौन मुनीश्वर हैं और वे कहाँ हैं? इस प्रकार पूछते हुए श्री रघुनाथ जी से वे दोनों मुनि कुमार बोले, महाराज, जिस काव्य के द्वारा आपके इस संपूर्ण चरित्र का प्रदर्शन कराया गया है उसके रचयिता भगवान वाल्मीकि हैं और वे इस यज्ञ स्थल में पधारे हुए हैं। उन तपस्वी कवि के बनाए हुए इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। इनके सिवा उन्होंने उत्तर कांड की भी रचना की है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि ने ही उन सब का निर्माण किया है। उन्हीं ने आपके चरित्र को महाकाव्य का रूप दिया है। इसमें आपके जीवन तक की सारी बातें आ गई हैं। महारथी नरेश, यदि आपने इसे सुनने का विचार किया हो तो यज्ञ कर्म से अवकाश मिलने पर इसके लिए निश्चित समय निकालिए और अपने भाइयों के साथ बैठकर इसे नियमित रूप से सुनिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा, हम इस काव्य को सुनेंगे। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी की आज्ञा ले दोनों भाई कुश और लव प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर गए जहां मुनिवर वाल्मीकि जी ठहरे हुए थे। श्री रामचंद्र जी भी महात्मा मुनियों और राजाओं के साथ उस मधुर संगीत को सुनकर कर्मशाला यज्ञ मंडप में चले गए। इस प्रकार प्रथम दिन कतिपय सर्गों से युक्त सुंदर स्वर एवं मधुर शब्दों से पूर्ण ताल और लय से संपन्न तथा वीणा के लय की व्यंजना से युक्त वह काव्य गान जिसे कुश और लव ने गाया था श्री राम ने सुना।